इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंद्रिय का कड़ा का कटना या कई लोगों इंपोटेंसी नामर्दगी भी लोग पहला वर्ड यूज करते पर नामर्दगी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बड़ा होरतना लफज लगता है, लगता है कि मर्द पल्ले कुछ नहीं रहा। सो जो नवा वर्ड है वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये असं उदों कहने कि जदों कोई भी मर्द अपने वाइफ या अपने पार्टनर को संभोग के दौरान सैटिस्फाई नहीं कर पाता या एंटर नहीं कर पाता। तो आम तो सुना है कि डाइवोर्स हो जाते हैं इस कारण करके भी। ये कई कारण होंगे। बेसिक कारण जो 80% लोगों से पाया जाता है वह है एंगजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट, टेंशन या दिमाग से कोई गलत फहमियां पहला पाई गई किसी हकीम वालों, वैद वालों या किसी दोस्त यार ने गलत दस दतियाँ, जिस करके वो उस चक्कर से पै जाता है कि अकड़ा आता ही नहीं है। कुछ लोगों के कारण होता है हारमोनल कारण, जिस करके जिससे मरदाना हारमोन टेस्टोस्टेरोन घट या वध हो सकता है, फिर प्रोलैक्टिन हारमोन होता है उसके भी लैवल से फर्क पै सकता है, जिस करके अकड़ा दे विच कमी पेशी आ जाती है। और जिहड़ा होर एक गंभीर कारण होता है वह होता है ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना जाना, जिन्होंने आम लोग नशा कमजोर कह देते हैं, पर यह कारण बहुत लोगों का घट से पाया जाता है। पर सगो जो मरीज किसी हकीम को होकर आता वही कहें जी डॉक्टर साहब ने कहा कि नशा की कमजोरी हो गई है जी, जो कि गल गलत है। नशा की कमजोरी बहुत घट पेशेंट्स से है और उसका जो इलाज सिर्फ सर्जिकली है, ऑपरेशन दौरान ही रही है, उस बिना उसका कोई इलाज नहीं है। असी जिन्ना लेट डॉक्टर को जाने प्रॉब्लम लैके उन्नी ये प्रॉब्लम ठीक करनी औखी हो जाती है। मैं अपने मरीज़ को एग्जाम्पल देना भी जे एक बच्चा 10वीं चो 4 बारी फेल हो गया है तो 5वीं बारी पेपर पाने की हिम्मत नहीं पैंती, जिन्ना छेती बच्चा पढ़ाई से जोर लाना पैंता जां उन्हें टीचर चंगा रखता जाता है उन्ना छेती वो ठीक हो जाता है। सो जे किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है एक पढ़े लिखे डॉक्टर को जाओ ताकि गुमराह ना करे और इलाज करे। स्टार्टिंग का इलाज बहुत ही सौखा है, कुछ दवाइया दे दी हैं तो मरीज ठीक हो जाता है। ये भी दो तीन स्टैप्स होंगे ने इलाज के। पहला स्टैप होंगे सिंपल मेडिसिन देना, सैकेंड स्टैप होंगे कई इंजैक्शन आते हैं जिन्हें रिएक्शन ठीक हो जाती है, फिर आखिरी तरीका आता है सर्जिकल। वो हार्डली 2-4% केसिस से लोड पैदा, बाकी मरीज अज तक मेरी प्रैक्टिस 80% मरीज तो दवाई ना ही ठीक हो गए हैं। सब तो वही गल सोचने की लड़ है कि जे प्रॉब्लम आती है ये अपने घर डिस्कस करो तो इलाज ले जाओ। लोग 2-2 साल बाद घर बैठे रहते हैं, जो वाइफ रौला पा दें है उदों ही लोग घरों बहर निकलते हैं, जब तक सब लोगों को पता लग जाता है तो लोग शर्म के मारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी टैसट है जिन्होंने असं कहने डॉपलर पेनिस, एक ही चीज़ है ये असी इंद्री की रंगीन स्कैनिंग करते हैं। पहला स्कैनिंग की जाती है इंद्री सुते पे की, फिर वो स्कैनिंग जाती है दवाई ला के जिन्ना इंद्री रिएक्शन आ जाती है सब पता लगता कि कोई नशा कमजोर है कि इंद्री से खून का रुहान पूरा है। तुम सबू पता होना चाहिए कि इंद्री से हड्डी कोई नहीं होंगी, इंद्री जी अकड़ा है वह खून के रुहान करके है। ब्लड जाता इंद्री से पिछले कुछ वैल्वस ने रुक जाते हैं, ब्लड रुक देते हैं तो अकड़ा रहता है। जब तक बंदा डिस्चार्ज नहीं होंगे ये वैल्वस खुलते नहीं हैं और ब्लड वापस नहीं जाता है। जो किसी भी साइकिल के दौरान ब्लड सप्लाई से कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ब्लड रोकण के छेती वैल्वस खुलते हैं तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंपोटेंसी हो जाती है। सो ये भी असं टेस्ट करके देखते हैं कि सच्ची वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल जा रहा है कि नहीं जा रहा है।